हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें न्यू सिलेबस ईआर 2020 के हिसाब से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल का एम है सिस्टमेटिक अप्रोच इन हैंडलिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन क्यूज। सबसे पहले तो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है वो देख लेते हैं। ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर मतलब क्या हुआ कि उसमें तीन टाइप के सोर्सेस रहते हैं, ठीक है। ये जो बनेगा तीन सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स। आपके सामने रखा हूँ, मैंने प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल याद करेंगे जितने भी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। लाइब्रेरी में जो बुक्स होते हैं आपके सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दैट इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, ये सभी जो भी हार्ड कॉपी में अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में टेक्स्ट बुक्स है वो प्राइमरी सोर्स में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी सोर्स है रिसर्च आर्टिकल, किसी भी पर्सन ने अगर किसी रिलेटेड प्रोजेक्ट को लेकर कोई नया इनोवेशन किया है, कोई आविष्कार किया है, कुछ इन्वेंशन किया है तो वो रिसर्च आर्टिकल में अपना पेपर पब्लिश करता है, अपने वर्क को लोगों के सामने लाते हैं। जर्नल्स, पेटेंट्स आपने सुना होगा, ये सब भी सेकेंडरी सोर्स में आएगा। और टर्शियरी सोर्स जो रहेगा इनसाइक्लोपीडिया और विकिपीडिया। इसका एग्जाम्पल गूगल में अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पैरास्टामोली डाला तो विकिपीडिया में जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगी, वो रहेगा आपका टर्शियरी सोर्स, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्स से बनता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के पास में बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं, उनकी टीम है। ये टीम को क्या करेगी, जितनी भी क्यूरीज आएगी, अब क्यूरीज किसके पास से आने वाली, क्यूरी का मतलब वो आपसे, क्यूरी से आपने याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है, क्यूरी से याद रखना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आएंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर से, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर के पास कौन पूछने वाला है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं पेशेंट, ठीक है, पेशेंट पूछ सकते हैं या फार्मासिस्ट पूछ सकते हैं या फिजिशियंस पूछ सकते हैं या कम्युनिटी मेंबर्स भी पूछ सकते हैं। ये तीनों जो है क्वेश्चंस पूछेंगे किससे, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर से। ये कैसे आपने क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्री सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शियरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब सारे टेक्स्ट बुक और सेकेंडरी सोर्स मतलब रिसर्च यहाँ पर आर्टिकल और थर्ड सोर्स जो रहेगा इनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया। इन तीनों को मिलाकर जो सोर्सेस बनेंगे उसको बोलेंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो इसमें हम सबसे पहले जो है एम देख रहे थे सिस्टमेटिक अप्रोच इन हैंडलिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, वो बनता है तीन सोर्सेस से। अब इनके स्टेप बाय स्टेप चार पांच यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्टर, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उस पर्सन को हम रिक्वेस्टर कहेंगे और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, उनका नाम, उनका एज क्या है, वो सब जो आएगा वो फर्स्ट पॉइंट में आएगा। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पूछने वाले को यहाँ पर रिक्वेस्टर ऐसा बोला गया है। सेकेंड है डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ प्रूफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन उसने आस्क किया है उसकी सही में ट्रू नीड है या नहीं, इसको चेक करना, मतलब सेकंड स्टेप। सिस्टमेटिक अप्रोच में सेकंड स्टेप देखिए हमने। थर्ड है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है उसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कि क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का टाइप है, क्या वो ड्रग इंट्रैक्शन का टाइप है, या काउंसलिंग का पार्ट है, या एडवाइजिंग का पार्ट, कौन सा पार्ट है उसमें उसको क्लासीफाई कर देंगे। एंड फोर्थ नंबर पे है कंडक्टिंग एन एफिशिएंट सर्च, एफिशिएंट सर्च उसके ऊपर करेंगे। अब एफिशिएंट सर्च मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री सोर्सेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेस को लेकर उसके ऊपर सर्च कंडक्ट करेंगे। एंड सर्च कंडक्ट होने के बाद में जितना भी डाटा आपके पास कलेक्ट हुआ है उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मतलब चेक करना कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, एंड लिटरेचर उसको पूरा इवेल्युएट द लिटरेचर एंड डिसमिनेटिंग, डिसमिनेटिंग मतलब कि कंपाइल करना है पूरा अच्छे से प्रेजेंटेबल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है एंड वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिक्वेस्टर को सब्जेक्ट कर देना है। ये हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच इन हैंडलिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन क्यूज। तो इसमें आपको केसेस को स्टडी करना है, जैसे कि आपके मैनुअल में केस वन दिया हुआ है, एक एग्जांपल है, आप उसको डिस्कस कर, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपको ध्यान में आएगा कैसे वो होगा। वो मिसेस ब्लैक करके है, 24 ईयर ओल्ड लेडी है, ठीक है, इसको लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है और इसको वॉमिटिंग का केस देखते हुए इसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में।
हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसने जब अपनी पोस्ट मेडिकेशन हिस्ट्री डिस्कस की डॉक्टर के साथ में, फिजिशियन के साथ में, उसने बताया कि उसको पल्मोनरी टीबी भी हो चुका है एंड शी इज प्रिस्क्राइबिंग, उसको क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसको एंटी टीबी ड्रग्स दी जा रहे थे, एसिनियासाइड, रिफॉम्पिसिन वगैरह उसको थेरेपी में दिया जा रहा था, और साथ में वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ले रही थी। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसके लिए लिए जाने वाले ड्रग्स। ठीक है, लेकिन उसके सिम्टम्स को देखते हुए, वो लोअर एब्डोमेन में पेन और वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, इसको देखते हुए उन्होंने देखा कि प्रेगनेंसी अकर हुई है उसको। तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी ड्रग फेल हो गई, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल हो गए, तो उन्होंने इसके लिए क्यूरी करी और पूछा ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर से कि ये किस टाइप का ड्रग इंट्रैक्शन है कि जहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो उसमें पूरे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, ये पांचों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये पता चला कि आइसोनियाजाइड रिफॉम्पिसिन में सबसे पहले जो रिफॉम्पिसिन जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा प्रोन कर देता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल नहीं रहता है, ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल नहीं रहने की वजह से वो बहुत जल्दी वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और उस वजह से प्रेगनेंसी अकर हो जाती है। तो ये थ्योरी के जरिए उनको ये पता चला कि यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शन का जो टाइप है वो देखा गया। इस तरीके से